नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज फिर से एक नए टॉपिक की ओर हम चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे फेरोसमास्ट अर्क फर्नेस के बारे में। फेरोसमास्ट अर्क फर्नेस जो किससे चलती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलती है। इसका सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिकल सोर्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। इसकी जो हम सप्लाई की कनेक्शन देते हैं, इस भट्टी को हम चलाने के लिए जो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, बाय ट्रांसफार्मर करते हैं। किस टाइप की ट्रांसफार्मर रहती है, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर रहती है। स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर जो हम वोल्टेज को लो करते हैं, वोल्टेज को कम कर इसके इलेक्ट्रोड में कनेक्शन करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसकी प्रिंसिपल के बारे में हम सबसे पहले जानें। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल यह है, हम इलेक्ट्रोड में लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम इसके तीन इलेक्ट्रोड, इस भट्टी में तीन इलेक्ट्रोड रहता है, इस तीन इलेक्ट्रोड में लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं बाय ट्रांसफार्मर। बाय ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और जैसे ही तीन इलेक्ट्रोड के संपर्क में रॉ मटेरियल आती है, तो रॉ मटेरियल के द्वारा ये तीनों इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टिविटी होती है। चूंकि लो वोल्टेज मैंने चार्ज किया है, इसलिए इसकी करंट कैपेसिटी हाई हो जाती है। बाय ट्रांसफार्मर मैंने लो वोल्टेज चार्ज किया है, इसीलिए इसकी करंट कैपेसिटी हाई हो जाती है और जैसे ही रॉ मटेरियल के संपर्क में आती है, आर्किंग स्टार्ट हो जाता है। आर्किंग स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही आर्किंग स्टार्ट हो जाता है, मटेरियल गलना स्टार्ट हो जाता है। ये इसका प्रिंसिपल है, इसका लॉजिक है, ठीक है। अब लो वोल्टेज हम कैसे देते हैं, किसके द्वारा देते हैं, इसमें सप्लाई कैसे आता है, चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि सिंपली यदि कोई आपसे एक लाइन में पूछे कि फेरोसमास्ट अर्क फर्नेस, समास्ट अर्क फर्नेस की कनेक्शन कैसे होता है, तो आप एक लाइन में बताएंगे, इसकी कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन होती है। इसकी कनेक्शन तीन इलेक्ट्रोड में बाय ट्रांसफार्मर डेल्टा कनेक्शन होती है। फिर से मैं एक बार कहता हूं, यदि आपसे कोई पूछे क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन में, कि फेरोसमास्ट अर्क फर्नेस की कनेक्शन कैसे होती है, तो आप बोलेंगे इसकी कनेक्शन बाय ट्रांसफार्मर तीन इलेक्ट्रोड में डेल्टा कनेक्शन होती है। तीन इलेक्ट्रोड में जाकर डेल्टा क्लोज हो जाती है, एक लाइन में हो गया। अब ये डेल्टा क्लोज कैसे होती है, यहां पर डेल्टा किस तरह से हम करते हैं, चलिए उसको विस्तार पूर्वक हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट टाइप की फर्नेस 11 केवी ट्रांसफार्मर या 33 केवी ट्रांसफार्मर के द्वारा चलाई जाती है। किस टाइप की ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। सपोज एक 9 MVA की फर्नेस है, 9 MVA की फर्नेस है, ओके, 9 MVA की फर्नेस है। तो 9 MVA की फर्नेस है, तो 9 MVA की फर्नेस में हम किस टाइप की ट्रांसफार्मर लगाएंगे। 9 MVA की इसकी फर्नेस कैपेसिटी है, तो यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा 9.5 MVA की ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो इसकी फंडा को हम सबसे पहले समझते हैं। जब ये फर्नेस, इस टाइप की फर्नेस को हम दो कंडीशन में चलाते हैं, एक स्टार में चलाते हैं, एक डेल्टा में चलाते हैं। स्टार में कब चलाते हैं और डेल्टा में कब चलाते हैं, इस टाइप की ट्रांसफार्मर को हम स्टार भी कर सकते हैं और डेल्टा भी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इस टाइप की फर्नेस को स्टार से हमें क्या वोल्टेज प्राप्त होता है और डेल्टा से हमें क्या वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है। तो स्टार में इसकी लोड कैपेसिटी कम हो जाती है, इसकी लोड कैपेसिटी स्टार में कम हो जाती है और डेल्टा में लोड कैपेसिटी इसकी हाई हो जाती है। अब लोड कैपेसिटी स्टार में क्यों कम होती है, क्योंकि स्टार में इसका वोल्टेज जो होता है बहुत ही लो निकलता है। वोल्टेज सेकेंडरी साइड की वोल्टेज, लो वोल्टेज सेकेंडरी साइड की लो वोल्टेज कम हो जाती है और सेकेंडरी साइड की लो वोल्टेज कम हो जाती है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रोड में जो सप्लाई प्रोवाइड होता है बहुत ही कम होता है और करेंट हाई हो जाती है। लोड कैपेसिटी कम हो जाती है, सेकेंडरी साइड की एम्पियर हाई हो जाती है, प्राइमरी साइड की लोड कैपेसिटी कम हो जाती है। तो मैं आपको एक रीजन ये भी बताता हूं, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यदि फेरोसमास्ट अर्क फर्नेस में काम करते हैं तो
स्टार्टिंग में जब भट्टी बहुत दिनों से बंद रहती है, जब भट्टी बहुत दिनों से बंद रहती है तो इस इलेक्ट्रोड का जो कनेक्टिविटी होता है वो पकड़कर बैठ जाता है, ठीक है। जब मटेरियल गर्म रहती है तो मटेरियल लिक्विड कंडीशन में रहती है तो इलेक्ट्रोड को हम ऑपरेशन करकर इलेक्ट्रोड को बैलेंस कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रोड ठंडा हो जाता है, मटेरियल ठंडा हो जाता है तो इलेक्ट्रोड पकड़ के बैठ जाता है मटेरियल के साथ, तो हम उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड को ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। अब तीन इलेक्ट्रोड की जो कनेक्टिविटी है वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हो सकता है कि दो इलेक्ट्रोड आपस में अच्छी कनेक्टिविटी के साथ है और एक इलेक्ट्रोड मटेरियल के संपर्क में नहीं है। जो दो इलेक्ट्रोड मटेरियल के संपर्क में है उसकी करंट कैपेसिटी बहुत ही हाई हो जाएगी और एक इलेक्ट्रोड की करंट कैपेसिटी लो हो जाएगी। जब दो इलेक्ट्रोड की करंट कैपेसिटी बहुत हाई हो जाएगी तो HT साइड की जो प्राइमरी साइड की करंट है वो बहुत ही हाई हो जाएगा। हम यदि डेल्टा में इस कंडीशन में डेल्टा में यदि ऑन करते हैं तो इसकी लोड कैपेसिटी करंट कैपेसिटी कहाँ की, प्राइमरी साइड की लोड कैपेसिटी बहुत ही हाई हो जाएगी। इस कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर इंस्टेंटेनियस करंट या सर्ज करंट में ट्रिप हो जाएगा, हमें भट्टी को ऑन नहीं करने देगा। ओके, तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जब भट्टी ठंडा रहता है तो इसीलिए हम स्टार में ऑन करते हैं, इसकी प्राइमरी साइड की लोड कैपेसिटी कम हो जाती है, सेकेंडरी साइड की वोल्टेज कम हो जाती है और हमारा सेकेंडरी साइड करंट हाई हो जाता है, जिसकी सहायता से हम जल्दी इलेक्ट्रोड को और रॉ मटेरियल को गर्म कर पाते हैं। इसीलिए इस टाइप की ट्रांसफार्मर को हम स्टार में भी चलाते हैं और डेल्टा में भी चलाते हैं। इसकी स्टार की जो वोल्टेज कैपेसिटी है सेकेंडरी साइड की वो अलग हो जाती है। सपोज 9 MVA की एक 9.5 MVA की ट्रांसफार्मर है, 9.5 MVA की एक ट्रांसफार्मर है, इसकी वोल्टेज कैपेसिटी स्टार में 70 to 100। 9.5 MVA की ट्रांसफार्मर की जो टैप रहती है एक से लेकर सत्रह टैप रहती है 1 to 17 टैप, और इसकी प्रिंसिपल टैप जो रहती है 9B, इसकी प्रिंसिपल टैप क्या रहती है 9B। ओके, तो एक से लेकर 17 के बीच में 70 से 100 जैसे ही 17 टैप में जाएगी, सबसे लास्ट टैप में जाएगी, ये हमारा 100 वोल्ट एसी सप्लाई कहां पर मिलेगी, सेकेंडरी साइड में मिलेगी, कहने का मतलब है इलेक्ट्रोड को मिलेगी। ओके, अब जैसे ही इसको हम डेल्टा करते हैं, 100 to 150 वोल्ट एसी हमें मिलता है। ओके, 100 मिलता है हमारा वन टैप में और 150 मिलता है हमें 17 टैप में। तो इस टाइप की ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर लगी रहती है जिसकी सहायता से हम और इसके अंदर में OLTC ऑन लोड टैप चेंजर की सहायता से हम वोल्टेज को रनिंग कंडीशन में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ओके, जो डायवर्टर स्विच है और ड्राइव मैकेनिज्म की सहायता से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं। कहने का मतलब है टेप को कम करेंगे तो वोल्टेज कम होगा, टेप को ज्यादा करेंगे तो वोल्टेज ज्यादा होगा। ओके दोस्तों, इस टाइप की ट्रांसफार्मर में यह सुविधा होने के कारण हम इस टाइप की भट्टी में स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं। अपने ट्रांसफार्मर को समझ लिया, स्टार को समझ लिया, डेल्टा को समझ लिया, आइए हम अब चलते हैं इसकी सेकेंडरी साइड की कनेक्शन किस तरह से होती है। इसकी सेकेंडरी साइड की कनेक्शन किस तरह से होती है जस्ट मैंने अभी आपको कहा कि इसकी कनेक्शन एक लाइन में यदि आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे फेरोसबमर्स्ड अर्क फार्नेस की कनेक्शन, 3 इलेक्ट्रोड में डेल्टा कनेक्शन होती है। कहां से होती है, बाय ट्रांसफार्मर। ओके, अब हम सपोज एक ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पर रेड, येलो, ब्लू, 11 kV सप्लाई चार्ज किया ट्रांसफार्मर के एचटी साइड में 11 kV सप्लाई चार्ज किया। ओके, इसकी सेकेंडरी साइड, ये बीच में लेमिनेशन कोर मैंने दिखाया,
इसकी सेकेंडरी साइड, ये हमारा यू फेज हो गया, ये हमारा वी फेज हो गया, ये हमारा डब्लू फेज हो गया। ये हमारी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड। ओके, ये कितने एमवीए की ट्रांसफॉर्मर है? 9.5 एमवीए की। ये सेकेंडरी साइड की कनेक्शन हमें कहां करना है? तीन इलेक्ट्रोड में करना है, फिरोज ऑफ मस्ट अर्थ फर्नेस की तीन इलेक्ट्रोड में करना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसकी कनेक्शन क्या होगी, डेल्टा कनेक्शन होगी। डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं? जैसे मोटर में डेल्टा कनेक्शन करते हैं दोस्तों, वही कनेक्शन यहां पर होगा। जैसे मोटर में कनेक्शन करते हैं डेल्टा, वही कनेक्शन यहां पर होगा। यहां पर जो हमने यू वी डब्ल्यू फेज दिखाया, और यहां पर आपको क्वाइल मैंने एक एक फेज का एक दो तीन क्वाइल, एक दो तीन क्वाइल, एक दो तीन क्वाइल, एक एक फेज का कितना क्वाइल निकला हुआ है? तीन तीन क्वाइल निकला हुआ है। स्टार्टिंग लूपिंग, स्टार्टिंग लूप, सॉरी स्टार्टिंग फिनिशिंग, स्टार्टिंग फिनिशिंग, स्टार्टिंग फिनिशिंग, ये हमारा ओनली फोर, इतना जो तीन क्वाइल हो गया यू फेज का। उसी तरह भी फेज का तीन क्वाइल और डब्लू फेज का तीन क्वाइल है। तो इसकी मार्किंग कुछ इस तरह से रहती है। किस तरह से रहती है? वन डब्लू, वन यू वन, वन यू टू, टू यू वन, टू यू टू, थ्री यू वन, थ्री यू टू, वन भी वन, टू भी वन, सॉरी वन भी टू, टू भी वन, टू भी टू, थ्री भी वन, थ्री भी टू, वन डब्लू वन, वन डब्लू टू, टू डब्लू वन, टू डब्लू टू, थ्री डब्लू वन, थ्री डब्लू टू। ओके, कुछ इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी साइड की राइजर है वहां पर मार्किंग आपको मिल जाएगा। लेकिन एक एक फेज में तीन क्वाइल है, देखिए ध्यान से देखिए, एक एक फेज में तीन क्वाइल है, तो तीन क्वाइल का क्या होगा? स्टार्टिंग फिनिशिंग, स्टार्टिंग फिनिशिंग, स्टार्टिंग फिनिशिंग। कितना वायर निकला? छह वायर। कितना वायर निकला? छह वायर। ओके, अब यहां पर जो हम डेल्टा कनेक्शन करेंगे, कहां पर करेंगे? इलेक्ट्रोड में करेंगे। आप मोटर के कनेक्शन को पहले समझिए। मोटर में सिक्स टर्मिनल रहता है ना दोस्तों, मोटर में सिक्स टर्मिनल रहता है ना, यू वन, वी वन, डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, यू टू, वी टू। हम इसके डब्ल्यू टू, यू टू, वी टू को शॉर्ट कर देते हैं तो क्या कनेक्शन होता है? ये स्टार कनेक्शन होता है, ठीक। और ये शॉर्टिंग को हटा दिए, ये शॉर्टिंग को हटा दिए, आप सीधा सीधा शॉर्टिंग कर दिए। कहने का मतलब है यू वन और डब्ल्यू टू को शॉर्ट कर दिए, वी वन और यू टू को शॉर्ट कर दिए, डब्ल्यू टू और वी टू को शॉर्ट कर दिए। तो क्या कनेक्शन हो गया? डेल्टा कनेक्शन हो गया। क्या कनेक्शन हो गया? डेल्टा कनेक्शन हो गया। हो गया ना? ठीक उसी प्रकार यह डेल्टा कनेक्शन इस तीन इलेक्ट्रोड में करना है। भट्टी की जो तीन इलेक्ट्रोड है वो तीन इलेक्ट्रोड में ये सेम डेल्टा कनेक्शन, मोटर में जिस तरह से हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं वही कनेक्शन, सेम कनेक्शन इस तीन इलेक्ट्रोड में करना है। आप इस पत्ती को, इस पत्ती को, इस पाथ को जो मैंने डेल्टा मोटर में शॉर्ट कर डेल्टा बनाया, उस पाथ को ही इलेक्ट्रोड समझ लीजिए। इस पाथ को ही आप इलेक्ट्रोड समझ लीजिए। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? भट्टी की इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ये भट्टी की इलेक्ट्रोड है, ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है, ये हमारा E3 है। इस इलेक्ट्रोड में क्या रहता है दोस्तों? इस इलेक्ट्रोड के अंदर में क्या फीलिंग रहती है? इस इलेक्ट्रोड के अंदर में कार्बन पेस्ट रहता है, इस इलेक्ट्रोड के अंदर में कार्बन पेस्ट रहता है। कार्बन पेस्ट एक बहुत ही कनेक्टिविटी मटेरियल माना जाता है। अब कहेंगे
आपके माइंड में एक कंफ्यूजन होगा कि इतना मोटा लंबा चौड़ा इलेक्ट्रोड में ये वायर लाके हम कहां पर कनेक्शन करेंगे, ये बाय फिक्सेबल या क्या रहता है, कॉपर का फिक्सेबल हुआ है ट्रांसफार्मर के राइजर साइड से, सेकेंडरी साइड से कॉपर का फिक्सेबल वायर आकर इलेक्ट्रोड में कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन कहां पर करेंगे, कुछ तो क्लैंप चाहिए ना, जी हाँ कॉन्टेक्ट क्लैंप देते हैं यहां पर, इस तरह से कॉन्टेक्ट क्लैंप रहता है, कॉन्टेक्ट क्लैंप का लूपिंग निकला हुआ रहता है, कॉन्टेक्ट क्लैंप का लूपिंग निकला हुआ रहता है, स्टार्टिंग फिनिशिंग, इसके अंदर में वाटर सर्कुलेशन होता है, इसके अंदर में वाटर सर्कुलेशन होता है। कॉन्टेक्ट क्लैंप एक कॉपर पाथ का बना हुआ रहता है, ओके कॉपर पाथ का कॉन्टेक्ट क्लैंप बना हुआ रहता है, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ से कॉन्टेक्ट क्लैंप लगा हुआ रहता है, कॉपर का मोटा पाथ का कॉन्टेक्ट क्लैंप चारों तरफ से लगा हुआ रहता है, इसमें दो लूप निकला हुआ रहता है स्टार्टिंग फिनिशिंग, इस लूप में डीएम वाटर सर्कुलेशन होती है ताकि ये मटेरियल हमारा अच्छा कंडीशन में रहे, गले नहीं पिघले नहीं डैमेज ना हो, इसलिए इस कॉन्टेक्ट क्लैंप में वाटर सर्कुलेशन होता है। ये कॉन्टेक्ट क्लैंप यहाँ पर पेसरिंग की सहायता से, कॉन्टेक्ट क्लैंप को एक पेसरिंग की सहायता से इलेक्ट्रोड में बांधकर या पकड़कर रखा जाता है, और इस कॉन्टेक्ट क्लैंप में हम ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी फिक्सेबल वायर है आकर कनेक्शन हो जाती है। अब ये कनेक्शन जो डेल्टा कनेक्शन होती है, ठीक मोटर में जैसे हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं, वो कनेक्शन मैं आपको यहाँ पर समझाकर बताता हूँ। सपोज हमारा E1 इलेक्ट्रोड है, E1 इलेक्ट्रोड में यू फेज का स्टार्टिंग लूप कनेक्शन करेंगे, यू फेज का स्टार्टिंग लूप कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग लूप दिया, देखिए मैं लिख कर आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से मैं वायर टांग कर मार्कर से लेकर आऊंगा तो गंदा हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए मैं दोस्तों इसका E1 इलेक्ट्रोड, आप कनेक्शन ध्यान से समझिए, E1 इलेक्ट्रोड में मैं 1U1 यू फेज का जो स्टार्टिंग लूप है 1U1 इस कॉन्टेक्ट क्लैंप में लाकर स्टार्टिंग लूप यहाँ कनेक्शन कर दिया, ठीक है, और इसका 1U2 फिनिशिंग जो लूप है इलेक्ट्रोड 2 में चली गई 1U2, ठीक है, ठीक उसी प्रकार इस क्वाइल की 2U1 2U2 3U1 3U2 स्टार्टिंग फिनिशिंग यू फेज का, ठीक आप इसको छोड़ देंगे, अभी इलेक्ट्रोड 2 में आ जाएंगे, इलेक्ट्रोड 2 में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड 2 में भी फेज का स्टार्टिंग लूप कनेक्शन करेंगे 1V1, और इसका फिनिशिंग लूप कहां कनेक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोड 3 में 1V1 का जो फिनिशिंग लूप है इलेक्ट्रोड 3 में चला जाएगा, देखिए 1V2 2V1 2V2 3V1 3V2, ठीक है। अब आते हैं W फेज W फेज का स्टार्टिंग लूप चला जाएगा इलेक्ट्रोड 3 में 1W1 1W1 और 1W1 W1 का फिनिशिंग लूप कहां आएगा, घूम फिर के इलेक्ट्रोड 1 में 1W2 2W1 2W2 3W1 3W2। चलिए आइए दोस्तों मोटर के साथ मिलाते हैं, मोटर में मैंने जिस तरह से डेल्टा किया, ये डेल्टा इलेक्ट्रोड के साथ मैच कर रही है कि नहीं उसको मिलाते हैं तो आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। देखिए सपोज ये इलेक्ट्रोड 1 पकड़िए, ये इलेक्ट्रोड 2 पकड़िए, ये इलेक्ट्रोड 3 पकड़िए, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड 1 में, ये इलेक्ट्रोड 1 में क्या कनेक्शन है, U1, देखिए U1 और W2 कनेक्शन है ना, U1 और W2 कनेक्शन है ना, तो ये इलेक्ट्रोड 1 में क्या कनेक्शन है, U1 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 W2 W2 W2, डेल्टा हुआ ना, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रोड 2, ये इलेक्ट्रोड 2 है, इलेक्ट्रोड 2 में क्या कनेक्शन है, V1 और U2 V1 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 U2
U2 U2 U2 हुआ ना, डेल्टा प्रॉपर डेल्टा हुआ ना। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रोड 3 में देखिए, इलेक्ट्रोड 3 में क्या कनेक्शन है, W1 है और V2 है, W1 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 V2 V2 V2, डेल्टा कनेक्शन हो गया ना, सिंपल कनेक्शन है। फिर कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन होता है बहुत सारे जो कनेक्शन निकल कर आती है राइजर साइड से, इलेक्ट्रोड में जाकर कॉन्टेक्ट के लिए में जाकर कनेक्टिविटी होती है, फिर प्रोटेक्शन के लिए हम डीएम वाटर का यूज करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, मेरा एरिया बहुत बड़ा रहता है, इलेक्ट्रोड बहुत बड़ा रहता है, सिर्फ कॉन्टेक्ट क्लेम की कनेक्टिविटी के लिए प्रेशरिंग लगाते हैं, कूलिंग सेल लगाते हैं, बहुत सारा ब्लोअर रहता है, मोटर रहता है, तो हमारा माइंड क्या रहता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है वहीं पर, अरे होइस पाइप निकला हुआ है, राइजर से निकला हुआ है, पानी सर्कुलेशन हो रहा है, इसका कनेक्शन यहाँ झूल झूल के इतना लंबा और मोटा तार कहाँ पर जाके बैठा है, कुछ नहीं है। आप लॉजिक को समझिए, फंडा को समझिए, कनेक्शन को समझिए, जैसे मोटर में डेल्टा कनेक्शन करते हैं ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रोड में जाकर कनेक्शन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसी उम्मीद के साथ आज की टॉपिक को मैं ही समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर वॉचिंग करें, नए दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।